सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में तीन प्रभु बताए हैं। ये तीन प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? तीन प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है, कैसा है, उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। त्योहारों की पावन भूमि भारतवर्ष, जहां हर उत्सव मानवता की भावनाओं से गहराई से जुड़ा है। इसी धरा पर एक ऐसा पर्व भी मनाया जाता है जो सूर्य और प्रकृति की उपासना के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की, जिसे विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के लोग आस्था का महापर्व मानते हैं। इस दौरान हर साल लाखों श्रद्धालु जलाशयों के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा जीवन में सुख समृद्धि, पुत्र प्राप्ति और सुखी जीवन की कामना करते हैं। दर्शकों, मान्यता ये भी है कि छठ के व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इन चार दिनों के पर्व में 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। लेकिन क्या सच में यह कठिन तप या 36 घंटे का निर्जला व्रत या डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देना हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, या फिर यह केवल एक परंपरा बनकर रह गई है जिसमें हम बिना प्रश्न किए देखा देखी अनुसार आंख मूंद कर चलते जा रहे हैं? तो चलिए दर्शकों, आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, क्यों उपासक रखते हैं इतना कठिन व्रत, और जिस उद्देश्य से यह कठिन व्रत रखा जाता है, क्या वह उद्देश्य इस व्रत के करने से पूर्ण होता है। सवाल नंबर एक, सूर्य उपासना का महापर्व छठ की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे कौन सी लोक मान्यताएं छिपी हैं? क्या यह वास्तव में हमें परमात्मा के निकट ले जाती है या महज एक परंपरा का निर्वाह है? दर्शकों, छठ एक ऐसा पर्व जिसमें छठी मैया और सूर्य भगवान की पूजा होती है, जो कार्तिक मास की शुक्ल चतुर्थी से सप्तमी तक मनाया जाता है। इस पर्व के बारे में समाज में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं, जैसे कि द्रौपदी और कर्ण द्वारा छठ व्रत करना या राजा प्रियव्रत का संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करना। यह पर्व साल में दो बार चैत्र और कार्तिक मास में मनाया जाता है और इसे लोक आस्था का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या ये कहानियां सच में शास्त्रों पर आधारित हैं या केवल जनश्रुतियां में, जिन पर सदियों से लोग विश्वास करते आ रहे हैं? तो आपको बता दें कि हमारे पवित्र सदग्रंथों में ऐसे किसी भी पर्व का वर्णन नहीं है, और फिर भी ऐसे मनमाने पर्व लोग मनाते हैं। जिसके विषय में हमारे पवित्र सदग्रंथों में क्या कहा गया है देखिए। और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, सुर में जाएगा 24 मसला, इससे तेरे लिए कर्तव्य रह कर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णन है वही साधना कर अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस।
दर्शकों, गीता जी के इस उल्लेख से स्पष्ट होता कि छठ पूजा के मनमाने नियम और कथाएं शास्त्रों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, जिससे यह सिद्ध होता है कि छठ पूजा को मनाना एक मनमाना आचरण है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जिस उद्देश्य से लोग छठ पर्व मनाते हैं उससे उन्हें वह लाभ नहीं हो सकता। सवाल नंबर दो, छठ व्रत विश्व का सबसे कठिन व्रत है, जिसमें सूर्य देव की पूजा के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास रखा जाता है। लेकिन क्या ऐसी कठिन साधनाओं का समर्थन हमारे पवित्र शास्त्र भी करते हैं? छठ में साधक सूर्य देव की उपासना में 36 घंटे तक बिना अन्न और जल के रहते हैं। छठ पूजा की यह परंपरा दीपावली के 3 दिन बाद नहाए खाए से शुरू होती है, जिसमें कद्दू चावल का विशेष भोग लगाया जाता है। इस दिन से नमक का त्याग कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। अगले दिन, जिसे खरना कहा जाता है, व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को खीर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद एक कठोर निर्जला व्रत का आरंभ करते हैं। तीसरे दिन डूबते सूर्य की उपासना की जाती है, जिसमें व्रती बिना कुछ खाए पिए नदी या किसी जलस्रोत में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। चौथे और अंतिम दिन उगते सूर्य को जल अर्पित कर यह कठिन व्रत पूर्ण होता है। दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 16 में साफ तौर पर कहा गया है कि हे अर्जुन, उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने वाली भक्ति न तो एकांत स्थान पर विशेष आसन या मुद्रा में बैठने से तथा न ही अत्यधिक खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले अर्थात व्रत रखने वाले की सिद्ध होती है। इसी विषय में सूक्ष्म वेद अर्थात संत गरीबदास जी कृत अमर ग्रंथ के अध्याय अथ मूल ज्ञान की वाणी 62 में कहा गया है, गरीब प्रथम अन्न जल संयम राखे, योग युक्त सब सतगुरु भाखे। इस वाणी का भावार्थ है कि अन्न तथा जल को सीमित खावे, न अधिक और न ही कम खावे, यानी न व्रत रखे। यह भक्ति की सही विधि है जो सतगुरु बताते हैं। वहीं श्री रामचरित मानस उत्तरकांड के दोहा 45 की चौपाई 1 में श्री रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं, कहहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। जिसका अर्थ है, कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है, इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि कठोर उपवास यानी छठ का निर्जला उपवास जो मान्यताओं पर आधारित है वह शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण यानी छठ का व्रत रखने वाले को न सिद्धि प्राप्त होगी, न उसकी परम गति होगी और न उसको सुख प्राप्त होगा। दर्शकों, आइए अब छठ पूजा से मिलने वाले तथा कथित लाभों की वास्तविकता को गहराई से परखते हैं। सवाल नंबर 3, सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित छठ का त्योहार, जिसमें लोगों द्वारा छठी मैया से संतान सुख, लंबी उम्र और विविध लाभ की कामना के लिए अनेक लोकगीत गाए जाते हैं, लेकिन क्या केवल इन गीतों और प्रार्थनाओं से हमें सभी सुख मिल सकते हैं? छठी का महापर्व, जिसमें भक्तगण छठी मैया और सूर्य देव से संतान सुख, लंबी उम्र और मनोवांछित लाभ की कामना करते हैं, लोकगीतों की गूंज के साथ नदियों के घाट भर जाते हैं और हर स्वर में छठी मैया और सूर्य देवता से आशीर्वाद की विनती होती है। कहते हैं कि जो महिलाएं यह व्रत रखती हैं उनकी संतान को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त होती है, साथ ही संतान की प्राप्ति और निरोगी जीवन का आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन क्या इन प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के जरिए हम कोई भी सुख प्राप्त कर सकते हैं? हाल ही में कुछ मामलों ने इस सवाल को और भी गंभीर बना दिया है। कई लोग इस पर्व के दौरान नदी या तालाब के किनारे पूजा करते समय हादसों का शिकार हुए हैं। उन्हीं से जुड़ी देखिए ये रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से है, जहां छठ पूजा के दिन दरभंगा में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां रामभद्रपुर स्टेशन के पास छठ पूजा कर लौट रहे 6 महिलाओं की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। 5 महिलाएं, माफ कीजिएगा, आपको बताएं कि इस हादसे में ट्रेन से कटकर उनकी मौत हो गई। बेहद दुखद हादसा छठ पर्व के समापन के दौरान। इसमें 3 महिलाएं और 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रशांत, ये बेहद दुखद घटना, एक तरफ हम छठ पर्व की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उस दौरान ये बुरा हादसा।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुचाता, ये घटना सुबह की है जब लोग छठ घाट से लौट के आ रहे थे अपने घर में। ये समस्तीपुर के रामभद्रपुर और किशनपुर जो दो रेलवे स्टेशन है उसके बीच की घटना है, और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से ये कट के मरे हैं लोग। ये पांच लोगों के भी रेलवे सीपीआरओ जो अरविंद रजक जी हैं उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि पांच की मौत कंफर्म हुई है और उसमें तीन महिलाएं हैं और दो बच्चे हैं। इनकी मौत रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के दौरान हुई है और ये संपर्क क्रांति से कट के इनकी मौत हुई है, और ये बहुत ही दुखद घटना है। लोग छत से घर लौट रहे थे उस दौरान की ये घटना है। सुचक्षा, छठ पूजा का आज चौथा और अंतिम दिन है। व्रत रखने वाली महिलाएं आज उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं, और इसी दौरान अर्घ देकर घर लौट रहे एक परिवार के छह लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने का मामला सामने आया है, जिसमें कुछ की मौत तो कुछ की घायल होने की बात सामने आई है। यह घटना बिहार के लखीसराय की है, जहां छठ घाट से लौट रहे एक परिवार के सदस्यों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। बेखौफ बदमाशों ने कबैया थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ले में इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक ही परिवार के छह लोगों को गोली लगने की सूचना मिली। फायरिंग में दो सगे भाइयों की मौत हो गई और चार घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है, किसी को समझ नहीं आया कि अचानक ये सब कुछ क्या हो गया। गोलीबारी की घटना में घायल परिवार के सभी लोगों को आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की जानकारी के लिए डीएम अमरेंद्र कुमार, एसपी पंकज कुमार, एएसपी रोशन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कबैया थाना पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। गुरुवार सुबह छठ पर्व मनाने के लिए प्रदेश भर के लोग घाट पर नहाने पहुंचे और छठ मैया से सुख समृद्धि की कामना की। मगर इसी दौरान करनाल की पश्चिमी यमुना नहर में एक हादसा हुआ, जिसमें दो लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई। हालांकि खबर लेके जाने तक किसी का भी शव बरामद नहीं हो सका। जानकारी के मुताबिक सुबह छठ पूजा का स्नान करने दो लोग 39 वर्षीय वशिष्ठ शर्मा और 35 वर्षीय दुखन सहनी नहर किनारे पहुंचे थे। इस दौरान नहर के दूसरे छोर पर जाने के लिए दोनों ने छलांग तो लगाई, मगर उसके बाद वापस नहीं निकले। जब काफी देर बाद भी दोनों में से कोई घर नहीं पहुंचा, तो परिजन उन्हें ढूंढते हुए नहर के पास पहुंचे, जहां ये समाचार मिला। एक लड़के एक लेडीज का घर वाला है ना, वो नहाने के लिए अंदर गया था, उसके बारे में बता रहे हैं अभी कि वो बाहर नहीं निकला, डूब गया। एक ही इससे पहले एक इंफॉर्मेशन मिली थी पुलिस को, उसके बारे में कुछ खबर बुलाए गए थे, लेकिन परंतु उसके बारे में एक बंदा डूब गया। तलाशी के दौरान मृतकों के कपड़े नहर किनारे जरूर मिले हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि दोनों नहर में डूब गए हैं। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से बातचीत करके शव को तलाशी के लिए गोताखोरों को लगाया गया है। दो लोग डूबे अभी। अच्छा। सुबह 6 बजे में जो है ना, वो अपने मैडम को कपड़ा खोल के दे दिया था, अंडरवियर में नहाने गए थे, तो जाने के बाद उसके बाद लौट के अंदर से आए ही नहीं। दोनों लापता हो गए। दोनों लापता। पुलिस आई है? पुलिस को हमने खबर कर दी है, कुत्ते वाले को बुलाया, अभी तक कोई सुराग नहीं निकला अभी तक। उधर नहर में डूबे दुकन साहनी की पत्नी ने बताया कि सुबह 6 बजे उनके पति नहाने आए थे, जिसके बाद से वो लापता हैं। वो खुद को पूजा कर घर लौट गईं, लेकिन उनके पति 10 बजे तक भी घर नहीं लौटे, तो फिक्र हुई और जब नहर किनारे जाकर पता किया तो उनके डूबने की खबर मिली। 6 बजे जी, 6 बजे छठ पर्व के लिए नहाने आए थे, तो क्या पता लगा आपको? अभी नहीं, कुछ नहीं पता लगा। सुबह बोला कि नहाने जाओ, कपड़े को भी पकड़ा दिया, कहाँ के रहने वाले आप? कहाँ के रहने वाले हो आप? बिहार। कौन सा जिला? समस्तीपुर। गांव कौन सा है? चैता शर्मा। क्या नाम है उनका, डूबने वाले क्या नाम है? गया था नहाने, ये तो बच्ची को पकड़ा दिया, वो चला गया नहाने, अब ना का निकला पानी में। बता दें कि दोनों डूबने वाले शादीशुदा थे और उनके डूबने से परिवार में मातम छाया है। दर्शकों, ऐसे में यह सोचना आवश्यक है कि यदि छठ पर्व पर छठी मैया और सूर्य देव की पूजा करने से संतान सुख, लंबी उम्र और मनोवांछित लाभ होता है, तो फिर इन लोगों के साथ छठ पूजा के दौरान ही ऐसे हादसे क्यों हो गए? उनकी मौत छठ पर्व पर ही क्यों हो गई? दूसरा, महाभारत काल के सूर्य पुत्र कर्ण से आप सभी परिचित हैं। महाभारत युद्ध में कर्ण की बहुत ही पीड़ादायक मौत हुई थी, तो यदि सूर्य देव की पूजा करने से
उन्हें अर्घ्य देने से लंबी उम्र होती है, मनोवांछित लाभ मिलता है, तो फिर सूर्य देव अपने पुत्र की रक्षा क्यों नहीं कर सके? और जब वे अपने पुत्र की ही रक्षा नहीं कर सके तो वे आपकी रक्षा कैसे करेंगे? तीसरी बात यह है कि खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित श्रीमद देवी भागवत भाग एक तीसरा स्कंध अध्याय 4 श्लोक 42 में श्री विष्णु जी ने कहा कि हे मात, ब्रह्मा, मैं विष्णु तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं, नित्य नहीं हैं, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? साथ ही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश अध्याय 22 श्लोक 58 में लिखा है कि हे ब्रह्मण, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं, उनसे न्यून देवगण हैं। इसके अलावा इस कथा से आप खूब परिचित हैं कि जब व्रजवासी देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करना चाहते थे, तब श्री कृष्ण ने व्रजवासियों को इंद्र की पूजा छोड़ एक परमात्मा की पूजा करने के लिए कहा था। उसी से संबंधित यह प्रसंग पढ़िए श्रीमद् भागवत सुधा सागर यानी शुक सागर में, जिसके 10वें स्कंध के अध्याय 24 के श्लोक 13 से 15 और 19 में श्री कृष्ण जी नंद बाबा से कहते हैं, पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म न करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है, यानी हम इंद्र की पूजा क्यों करें? पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते, तब उनसे प्रयोजन यानी उनकी पूजा करके हमें क्या लाभ होगा? जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर, यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताए गए उत्तम पुरुष परमात्मा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, उसे छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं, उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। दर्शकों, इससे भी स्पष्ट होता है कि इंद्र आदि जितने भी देवी देवता हैं, वे हमें अपने भाग्य से ज्यादा नहीं दे सकते। यानी हमारे भाग्य में दुख है तो दुख होगा और सुख है तो सुख मिलेगा, ये उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तथा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंध अध्याय 4 से 5 पर श्री विष्णु जी और भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं, देखिए। श्रीमद् देवी भागवत तीसरा स्कंध ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये देखिएगा। इसके ये सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, बिल्कुल दो मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंध, भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवत गीता में ये सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर दो प्रकृति बताई है, एक तो जड़ जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि,
और एक चेतन, चेतन ये दुर्गा प्रकृति है, तो इसलिए कहते हैं तुम आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं देखिएगा, भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रगट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला क्या तुम्हारा, मैं तुम्हें लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपुनात्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी माँ है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और पांचवा ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ये इसे सिद्ध हो गया। दर्शकों, इससे यह सिद्ध होता है कि जब श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री शिव जी नियमों में बंधे हैं, वे किसी के भाग्य में परिवर्तन नहीं कर सकते, तो उनसे कम शक्ति युक्त ये देव हमें भाग्य से अधिक लाभ कैसे दे देंगे। दर्शकों, वास्तविकता तो कुछ और ही है। अब तक के प्रमाणों से यह तो सिद्ध भी हो चुका है कि जो भी भक्ति क्रिया छठ पूजा के दौरान की जाती है वो सब निराधार है, अर्थात मनमाना आचरण है, जिससे किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक व भौतिक लाभ संभव नहीं है। ये सर्व लाभ केवल पूर्ण परमात्मा ही दे सकता है। इसलिए छठ पूजा के दौरान हमें यह समझना होगा कि मनमाने आचरण से नहीं बल्कि परमात्मा की सच्ची उपासना से ही हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन है वो पूर्ण परमात्मा जो हमारी आयु भी बढ़ा सकता, तथा क्या है वो सतभक्ति जिससे मिलते हैं सारे लाभ। सवाल नंबर 4, अब तक के प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि छठ पूजा की लोक मान्यताएं और क्रियाएं निराधार हैं, तो अब सवाल उठता है वास्तविक सनातनी पूजा क्या है और कौन है वह सर्वज्ञ परमेश्वर जो साधक को हर इच्छित लाभ प्रदान कर सकता है। दर्शकों, अब तक आपने जो प्रमाण देखे उससे यह भी स्पष्ट होता है कि छठ पर्व पर की जाने वाली सारी क्रियाएं हमारे सनातन धर्म के बिल्कुल विपरीत हैं, अर्थात मनमाने ढंग से अपनाई गई क्रियाएं हैं, क्योंकि इनका किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। तो वास्तविक सनातनी पूजा क्या है, आइए प्रमाण सहित विस्तार से जानते हैं। मनु और सतरूपा दोनों सत सुकृत रूप में सतयुग में प्रकट कबीर परमात्मा से दीक्षा लेकर आदि सनातनी पूजा करते थे। गीता जी में भी यही प्रमाण है जिसमें लिखा है कि ओम तत् सत इति निर्देशः ब्राह्मण त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। भावार्थ है कि सृष्टि अर्थात सतयुग के आदिकाल में ब्राह्मण ऋषि जन ओम तत् सत मंत्रों का जाप करते थे, जो कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के नाम कहे जाते हैं। काल ब्रह्म ने बाद में मनु और सतरूपा को चारों वेदों वाला ज्ञान प्रदान किया और ओम नाम जाप करने का विधान बताया। काल ब्रह्म से भ्रमित होकर मनु और सतरूपा ने सत सुकृत रूप में आए कबीर देव के ज्ञान को मानने से इनकार कर दिया और उनको वामदेव कहने लगे। इसकी पूर्ण जानकारी संपूर्ण सृष्टि रचना वीडियो में विस्तार से बताई गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए आपको सबसे पहले वो प्रमाण दिखाते हैं जिसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि मनु और सतरूपा सत सुकृत रूप में आए कबीर परमात्मा से प्राप्त आदि सनातनी भक्ति के मंत्र जाप करते थे। रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 143 पर गौर कीजिएगा, जिसमें लिखा है कि द्वादश अक्षर मंत्र पुणि जपही सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अति लाग। अनुवाद किया है कि मनु और सतरूपा द्वादश अक्षर मंत्र का प्रेम सहित जप करते थे। दर्शकों, यहाँ मंत्र जाप करने के बारे में कहा गया है,
जबकि अनुवादकर्ता ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय को द्वादश अक्षर मानकर अनुवाद में लिख दिया। हिंदू धर्म के धर्मगुरु इसी ओम नमो भगवते वासुदेवाय को द्वादश अक्षर मंत्र बता रहे हैं, देखिए। और मैं जिस मंत्र की आज बात करने वाला हूँ वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र को द्वादशाक्षर मंत्र क्यों कहा जाता है, तो आप इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर को अगर गिने तो ओम न मो भ ग व ते वा सु दे वाय यानी 12। तो इस मंत्र के जो अक्षर है, मंत्राक्षर है, वो कुल मिलाकर 12 है, इसीलिए इसको द्वादशाक्षर मंत्र कहा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय को इस प्रकार द्वादश अक्षर परिभाषित किया है। अनुवादकर्ता ने लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब अगर अक्षरों को गिना जाए तो पहला अक्षर है ओम, जिसमें अक्षरों की संख्या है 1। इसी प्रकार नमो कुल अक्षर 2, भगवते कुल अक्षर 4, वासुदेवाय कुल अक्षर 5। इसको जोड़ने पर कुल अक्षर 12 होते हैं दर्शकों, लेकिन ये वो 12 अक्षर नहीं है। जबकि हम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, कबीर देवाय नमः, पूर्ण परमात्मने नमः आदि शब्दों को प्रभु की स्तुति करने से पहले प्रणाम रूप में बोलते हुए सुनते हैं, ये मंत्र नहीं है दर्शकों। इसी विषय पर आपको प्रेमानंद जी की एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें प्रेमानंद जी भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम कृष्णा देवाय नमः आदि ये मंत्र नहीं है, ये जप करने का नहीं है। महर्षि, आपने सत्संग में कृष्णाय वासुदेवाय वाला मंत्र बताया था, उसको किस विधि से जपा जाए फिर? ये तो प्रार्थना पुकार है, उसका जप का मतलब थोड़ी है। दर्शकों, सच यही है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमो कृष्णाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र हैं ही नहीं, ये तो केवल प्रणाम वाक्य है जो केवल नमन करने के लिए बोले जाते हैं। इस बात की पुष्टि जाने माने कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी भी कर रहे हैं। इनका भी यही मानना है कि ओम नमः शिवाय केवल प्रणाम वाक्य है। हम अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं तो शंकर जी को नमन होता है। जब हम अपने मुख से षडाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो शिव जी को प्रणाम होता है। दर्शकों, अभी आपको कथावाचक पंडित गिरी बापू जी के विचार भी सुनाते हैं। उनका भी यही कहना है कि ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है, ये केवल प्रणाम वाक्य है। उन्होंने तो ओम नमः शिवाय का अर्थ भी बताया है, सुनिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का अर्थ क्या है? ओम का अर्थ है समस्त ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड। नमः का अर्थ है नमस्कार। शिव का अर्थ है कल्याण। शिवाय का अर्थ है शिव और शिवा। हे भगवान शिव और शिवा, नमस्कार करते हम पूरे ब्रह्मांड का, आप कल्याण करो, ऐसा अर्थ इस मंत्र का है। ओम नमः शिवाय कोई मंत्र नहीं है, ये तो सिर्फ प्रार्थना है, प्रणाम रूप में बोले जाने वाला एक वाक्य मात्र है, जैसा कि इन कथावाचकों व धर्म गुरुओं ने खुद भी इस बात को अपने प्रवचनों में स्वीकार किया है। दर्शकों, जिस प्रकार ये प्रमाणित हुआ कि ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है, ये केवल प्रणाम वाक्य है, उसी प्रकार ये द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र नहीं है, ये भी प्रणाम वाक्य ही है। अनुवादकर्ताओं को द्वादश अक्षर का यथार्थ ज्ञान न होने से तथा तत्व ज्ञान के अभाव से द्वादश अक्षर मंत्र को गलत परिभाषित किया है, जबकि मूल पाठ में कहीं भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखा है। यदि द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय होता तो तुलसीदास जी रामचरितमानस की इस चौपाई में अवश्य लिख देते, लेकिन तुलसीदास जी ने इस प्रणाम वाक्य को कहीं द्वादश अक्षर मंत्र नहीं लिखा। इससे स्पष्ट है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र नहीं है। द्वादश अक्षर मंत्र कौन सा है, आइए जानते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करते हुए विस्तार से समझाया है। इस दोहे का यथार्थ अनुवाद है कि मनु और सतरूपा सतयुग के आदि में द्वादश अक्षरों के मंत्रों का जाप बड़े ही अनुराग अर्थात कसक के साथ करते थे। पूर्ण परमात्मा अर्थात वासुदेव पर उन राजा और रानी का पूर्ण विश्वास हो गया था। दर्शकों, आपको वासुदेव का अर्थ भी विस्तार से बताएंगे,
पहले ये जान लेते हैं कि मनु और सतरूपा जिन 12 अक्षरों के मंत्रों का जाप करते थे वो 12 अक्षर के मंत्र कौन से हैं। दर्शकों, अनुवादकर्ता ने यहाँ जिन 12 अक्षरों के मंत्रों का वर्णन किया है ये वो 12 अक्षर मंत्र नहीं है जिनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। अनुवादकर्ता और वर्तमान धर्म गुरुओं के अनुसार श्री कृष्ण जी वासुदेव हैं, इसलिए उन्होंने मन माने ढंग से उन 12 अक्षर के मंत्रों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दिया। जबकि श्री कृष्ण जी तो द्वापर युग में हुए हैं तथा मनु और सतरूपा जी सतयुग में हुए हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं वो द्वादश अक्षर मंत्र अर्थात वो 12 अक्षर मंत्र कौन से हैं जिनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। दर्शकों, पहले आपको हिंदू धर्म के दो शीर्ष शंकराचार्यों के विचार सुनाते हैं जिनमें एक हैं श्री निश्चलानंद जी और दूसरे हैं श्री माधवाचार्य जी। आइए पहले श्री निश्चलानंद जी के विचार सुनते हैं। एक ही परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए स्वयं को हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बना देते हैं या हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में व्यक्त होते हैं। स्थिति नामक कृत्य का पालन रक्षण नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए वे विष्णु के रूप में श्रीमन नारायण के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शिव के रूप में प्रकट करते हैं। निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए कृत्य माने कार्य शक्ति के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति या गणेश के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। श्री निश्चलानंद जी ने बताया है कि काल ब्रह्म के लोक में इन मुख्य 5 देवी देवताओं ने काल ब्रह्म की सारी व्यवस्थाओं को संभाला हुआ है। ये 5 देवता मुख्य तौर पर हिंदू धर्म में पूजे जाते हैं। आइए अब आपको शंकराचार्य माधवाचार्य जी के भी विचार सुनाते हैं जिसमें वे भी स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में मुख्य तौर पर इन 5 देव की भक्ति होती है। सुनिए माधवाचार्य जी के विचार। तो आप जी का इष्ट देव कौन है? इष्ट देव तो कोई भी हो सकता है। हम सभी हमारे उपासना करते हैं, 5 देवता होते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने, दोनों ही शंकराचार्यों जी ने ये बताया है कि हिंदू धर्म में इन 5 देवों की भक्ति का प्रावधान है। वे 5 देवता इस प्रकार हैं: ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, देवी दुर्गा जी और गणेश जी। दर्शकों, शंकराचार्य जी बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ये 5 देव काल ब्रह्म के लोक की व्यवस्था को संभालते हैं। ये देवता प्रत्येक मनुष्य के शरीर में बने कमलों में विराजमान रहते हैं, इसलिए भक्ति साधना में इन 5 देव का विशेष स्थान है। दर्शकों, अब आपको इन देवी देवताओं की यथार्थ स्थिति के बारे में बताते हैं। विडंबना है कि कुछ धर्म गुरु तो इन देवी देवताओं के अस्तित्व को ही नहीं मानते और कुछ धर्म गुरु इन देवी देवताओं को ही फाइनल गॉड अर्थात पूर्ण परमात्मा माने बैठे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने इन देवी देवताओं की स्थिति को बिल्कुल प्रमाणित और सही सही बताया है। दर्शकों, आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने हमें यही बताया था कि भगवान श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी से ऊपर कोई भगवान नहीं है, वो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। दर्शकों, पहली बात तो ये है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये अखिल ब्रह्मांड के स्वामी नहीं है, न ही 3 लोक के स्वामी है, बल्कि 3 लोकों में एक एक विभाग के अधिकारी हैं। ये सब आप अच्छे से जानते ही हैं कि रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तम गुण विभाग के शिव जी अधिकारी हैं। जैसे एक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है तथा अन्य मंत्री भी होते हैं। मान लीजिए कि एक राज्य में 23 जिले हैं, उन सब जिलों के ऊपर अलग अलग विभागों का एक एक मंत्री भी होता है। दर्शकों, वो मंत्री उस पूरे राज्य में एक विभाग का मंत्री होता है, उस मंत्री को पूरे राज्य का स्वामी नहीं कह सकते। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड रूपी राज्य में 14 लोक अर्थात जिले जानो और उन 14 जिलों में से इन 3 जिलों में यानी 3 लोकों स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक में एक एक विभाग के मालिक हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यानी इन 3 लोकों में ब्रह्मा जी का विभाग है रजोगुण, जिससे जीवों की उत्पत्ति होती है,
विष्णु जी का विभाग है सतो गुण, जिससे जीवों का पालन पोषण होता है, और शिव का विभाग है तमो गुण, जिससे जीवों का संहार होता है। इन तीनों देवताओं के पिता जिसको ब्रह्म कहते हैं, जो क्षर पुरुष है, उसको इस ब्रह्मांड का यानी इस राज्य का मुख्यमंत्री जानो। दर्शकों, ये ब्रह्म क्षर पुरुष यानी मुख्यमंत्री अपने पास इनमें से कोई भी विभाग कभी भी रख लेता है, अर्थात ये सभी विभाग इसी ब्रह्म के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड यानी प्रांत का भी मालिक होता है। इसी प्रकार ये ब्रह्म इन तीनों देवताओं के ऊपर स्वामी है, इसीलिए ये काल ब्रह्म क्षर पुरुष इन तीनों देवताओं का रूप बनाकर इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को भी संभालता है। यही काल ब्रह्म कभी विष्णु का रूप बनाकर, तो कभी शिव का रूप बनाकर, कभी ब्रह्मा का रूप बनाकर इस ब्रह्मांड में मौजूद 14 लोकों की व्यवस्थाएं संभालता है, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश केवल तीनों लोकों में एक एक विभाग की व्यवस्था संभालते हैं। हमारे धर्म गुरु गलत फहमी के कारण विष्णु जी को सर्वेस्वा मानकर ये धारणा बनाकर बैठे थे कि विष्णु ही शिव बन जाता है, विष्णु ही ब्रह्मा बन जाता है। कभी शिव के बारे में ये धारणा बना लेते थे कि शिव ही ब्रह्मा बन जाता है, शिव ही विष्णु बन जाता है। कहते थे कि ये तीनों देवता एक ही हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, जबकि ये सब कलाबाजी उस काल ब्रह्म की है, जिसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आऊंगा, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 7 के श्लोक 24 और 25 में मिलता है, जिसमें ये काल ब्रह्म खुद स्वीकार करता है और श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके अर्जुन को बताता है कि यह बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे अनुत्तम नियम से अपरिचित हैं, कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, इसलिए मुझ अव्यक्त को मनुष्य रूप में आया हुआ अर्थात कृष्ण मानते हैं। अपने इस अनुतम नियम के कारण ही ये अपने पुत्रों का रूप बनाकर इन 14 लोकों में सब कार्य करता है। काल ब्रह्म ने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा कब और क्यों की, ये तत्व ज्ञान केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही प्रमाणित करके बताया है। कृपया संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई संपूर्ण सृष्टि रचना की इस वीडियो को अवश्य देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे मुख्यमंत्री किसी विभाग के कार्य की फाइल पर जब हस्ताक्षर करते हैं, यानी किसी विभाग का कार्य खुद करने जाते हैं, तो उस समय मंत्री की हैसियत से हस्ताक्षर करते हैं, जबकि होते वो मुख्यमंत्री ही हैं, लेकिन उस समय वो उस विभाग का कार्य देख रहे होते हैं। इसी प्रकार जब इस ब्रह्म को ब्रह्मा विष्णु या शिव के स्तर का कार्य खुद करना होता है, तो इनका रूप बनाकर वहां प्रकट हो जाता है। इसके बाद आता है अक्षर पुरुष, जिसको उप प्रधानमंत्री के समान जानो। उसके बाद आते हैं सबसे ऊपर वाले पद पर परम अक्षर ब्रह्म, उनको प्रधानमंत्री जानो। वो सब प्रांतों का स्वामी है और किसी भी राज्य के किसी भी जिले में हस्तक्षेप कर सकता है, अर्थात सब राज्यों का यानी सब लोगों पर ऑल ओवर कंट्रोलर होता है। अगर कोई एक विभाग के मंत्री को प्रधानमंत्री बताए तो ये उसकी नासमझी है। यदि कोई ये कहे कि प्रांत का मंत्री कोई मायने नहीं रखता, तो वो भी महामूर्ख है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज इन सभी देवी देवताओं से लेकर परम अक्षर ब्रह्म तक की स्थिति को अच्छे से जानते हुए कभी किसी देवता का अर्थात किसी मंत्री का अनादर नहीं करते, और न ही किसी मंत्री को प्रधानमंत्री बताकर अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को पूर्ण परमात्मा बताकर उस प्रधानमंत्री यानी पूर्ण परमात्मा का अनादर करते हैं। ऐसी गलती सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनको ये तत्व ज्ञान नहीं है। दर्शकों, आपसे पुनः निवेदन है कि इन सभी देवी देवताओं की और पूर्ण परमात्मा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके संपूर्ण सृष्टि रचना वीडियो को अवश्य देखिए। दर्शकों, आप संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों पर न सही, लेकिन अपने पवित्र शास्त्रों को कदापि अनदेखा नहीं कर सकते। ये सभी गूढ़ रहस्य संत रामपाल जी महाराज ने हमारे पवित्र शास्त्रों से ही बताए हैं। दर्शकों, काल ब्रह्म के लोक से निकलने के लिए तथा हर प्रकार की सुविधा प्राप्त करने के लिए इन्हीं पंच देवी देवताओं की साधना करनी होती है। दर्शकों, इनसे ये सब सुविधाएं प्राप्त करने के लिए इनकी साधना का द्वादश
अक्षर मंत्र का जाप करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन सभी शंकराचार्यों को तथा हिंदू धर्म के इन सभी कथावाचकों, धर्म गुरुओं और प्रचारकों को द्वादश अक्षर मंत्र की जानकारी नहीं है, जो इन्हीं पांच देवी देवताओं की साधना के यथार्थ मंत्र हैं। सभी शंकराचार्य तथा हिंदू धर्म के ये सभी कथावाचक, धर्म गुरु और प्रचारक इन देवी देवताओं का मूल मंत्र इस द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय को माने बैठे हैं और इसी मंत्र का जाप करके मोक्ष की आस लगाए बैठे हैं। यदि सभी शंकराचार्यों तथा हिंदू धर्म के इन प्रचारकों की बात को सत्य माना जाए तो ये मंत्र पांच देवताओं की भक्ति अर्थात साधना का नहीं हो सकता, क्योंकि ये मंत्र तो केवल वासुदेव के लिए है, जिसे सभी शंकराचार्य जी श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी के तौर पर मानते हैं। जबकि शंकराचार्य जी खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में मुख्य पांच देवी देवता हैं, जो काल ब्रह्म की सब व्यवस्थाओं को संभालते हैं और यही पंच देवता इस लोक में सर्व सुविधाएं प्राप्त करवाते हैं। दर्शकों, इन पंच देव साधना के यथार्थ द्वादश अक्षर मंत्र आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं, जिनको वर्तमान में केवल और केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ही दुनिया के सामने उजागर किया है। तो आइए देखते हैं, मनु और सतरूपा जी इन पांच देवी देवताओं के कौन से द्वादश अक्षर मंत्रों का जाप करते थे। दर्शकों, मनु और सतरूपा जी सतयुग के आदि में पंचदेव के यथार्थ मंत्रों का जाप करते थे, जिन मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज भी प्रथम दीक्षा के समय में अपने शिष्यों को देते हैं। इन पांच देवों के मंत्रों के द्वादश अक्षर मंत्र इस प्रकार हैं, जिनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। ओम किलिम हरिम श्रीम सोहम। दर्शकों, इस प्रकार इन अक्षरों को जोड़कर देखा जाए तो कुल 12 अक्षर बनते हैं। दर्शकों, ये 12 अक्षर का एक मंत्र कहलाता है और इस एक मंत्र को साधक को प्रतिदिन 108 बार करना होता है। यही वो 12 अक्षर मंत्र है। इनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के मंत्र हैं। इन्हीं मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को देते हैं। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे, ये जो ओम शब्द है इसको एक ही अक्षर क्यों गिना गया, जबकि सुनने व बोलने में एक प्रतीत नहीं हो रहा। इस शंका के निवारण के लिए हमें गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 को देखना होगा, जिसकी संस्कृत में लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम, जिसके अनुवाद में लिखा है कि ओम इस एक अक्षर रूप का अर्थात ब्रह्म के नाम का चिंतन करता हुआ। दर्शकों, गीता जी से ये स्पष्ट हो जाता है कि ओम को एक ही अक्षर गिना जाता है। इसी प्रकार यहाँ शिव पुराण में भी प्रमाण है कि वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। इसी प्रकार रामचरितमानस की इस चौपाई में भी अनुवादकर्ता ने ओम को एक अक्षर गिना है, तभी ये 12 अक्षर होते हैं। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि शास्त्रों के आधार पर ओम शब्द को एक अक्षर ही गिना जाता है। दर्शकों, किसी भी श्रद्धालु को ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि ये अक्षर सही हैं या ये वाले अक्षर सही हैं। जैसा कि आप इसी रामचरितमानस की इस चौपाई में देख रहे हैं कि यहाँ अक्षर शब्द लिखा है, यहाँ ये अक्षर शब्द संत भाषा में लिखा गया है, जबकि इस अक्षर शब्द को अगर हम शुद्ध करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसमें ना तो च शब्द है और न ही छ शब्द है, लेकिन ये दोनों ही शब्द अक्षर का बोध करवाते हैं। अनुवादकर्ता ने द्वादश अक्षर शब्द का अर्थ द्वादशाक्षर किया है, यानी अक्षर शब्द को अक्षर लिखा है, जो बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार इन मंत्रों को व्याकरण की दृष्टि से देखने में भिन्नता नजर आ रही है, लेकिन ये इन देवी देवताओं के मूल मंत्र होने का ही बोध करवाते हैं। इसी प्रकार एक और शब्द है, ये देखिए, रामचरितमानस की इस चौपाई में लच्छी शब्द है, जो कि संत भाषा में इस प्रकार लिखा गया है, लेकिन यदि इस शब्द को शुद्ध करके लिखेंगे तो लक्ष्मी शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार रामचरितमानस के इस दोहे में ओरु शब्द लिपिबद्ध है, जो कि संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन अनुवादक ने इस शब्द का अनुवाद करते समय ओरु को और लिखा है। दर्शकों, दोनों शब्द समान अर्थ का बोध करवा रहे हैं। इसी प्रकार लच्छी को अनुवादक ने लक्ष्मी लिखा है, अर्थात लच्छी संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है और लक्ष्मी व्याकरण की दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन दोनों शब्द श्री लक्ष्मी का बोध करवाते हैं।
ठीक इसी तरह जैसे यहाँ ये किलियम शब्द और ये किलिम शब्द दोनों ही श्री गणेश जी के मूल मंत्र का बोध करवा रहे हैं, इसलिए सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप ये देखकर भ्रमित न हो कि एक ही मंत्र अलग अलग तरह से क्यों लिखा अथवा बोला गया है। दर्शकों, ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के द्वादश अक्षर मंत्र हैं। इन मंत्रों को केवल पूर्ण संत से लेकर ही जाप किया जाता है। तत्वदर्शी संत ही इन मंत्रों को जाप करने की विधि बताता है। आपको शंका हो सकती है कि इन मंत्रों का प्रमाण और किस ग्रंथ में है। दर्शकों, ये तो प्रमाणित हो ही चुका है कि आदि सनातनी पूजा के अंतर्गत आने वाले इन द्वादश अक्षर मंत्रों को सतयुग के आदि में सत सुकृत रूप में आए कबीर परमात्मा ने मनु और सतरूपा को दिया था, जिसके कुछ वर्ष बाद ये भक्ति लुप्त हो गई। दर्शकों, यही द्वादश अक्षर मंत्र कलयुग में आज से लगभग 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने इन द्वादश अक्षर मंत्रों का जाप अपने शिष्यों को दिया था, जिसका प्रमाण आपको कबीर शब्दावली के पेज 77 पर देखने को मिलेगा, जिसमें कबीर साहिब जी का एक शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहिब जी ने अपने इस शब्द में इन द्वादश अक्षर मंत्रों को स्पष्ट लिखा है। वाणी है कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। फिर आगे लिखा है, मूल कमल दल चतुर बखानो, किलिम जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तहां रोपा थानो, रिद्ध सिद्धि चवर ढुलारा है, स्वाद चक्र शट दल बिस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उलट नागिनी का सिर मारो, तहां शब्द ओंकारा है, नाभि अष्ट कमल दल साझा, सेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरिम जाप तासु मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है, द्वादश कमल हृदय के माही, जग गौरी शिव ध्यान लगाई, सोहम शब्द तहां धुन छाई, गण करे जय जय कारा है, षोडश दल कमल कंठ के माही, तेही मध्य बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा चवर ढुराई, जहां श्रीम नाम उच्चारा है। दर्शकों, कबीर साहिब जी के इस शब्द में वो द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं जो सृष्टि के आदि में मनु और सतरूपा जी करते थे। यहां संत भाषा में शब्दों को अलग तरह से लिखा गया है। दर्शकों, संतों ने अपनी स्थानीय भाषा को मध्य नजर रखते हुए संत भाषा में इन द्वादश अक्षर मंत्रों को इस तरह लिखा है। व्याकरण की दृष्टि से इन द्वादश अक्षर मंत्रों को इस तरह लिखा जाता है, लेकिन ये सभी शब्द इन्हीं द्वादश अक्षरों का बोध करवा रहे हैं। आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं। 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने इन द्वादश अक्षर मंत्रों को लिपिबद्ध करवाया, जिसके बाद फिर से इन द्वादश अक्षर मंत्रों का लोप हो गया था। कबीर परमात्मा ने आज से लगभग 300 साल पहले फिर प्रकट होकर गरीब दास जी महाराज को छुड़ानी में आकर इन द्वादश अक्षर मंत्रों को प्रदान किया। प्रमाण के लिए देखिए गरीब दास जी महाराज द्वारा रचित अमर ग्रंथ, जिसके ब्रह्म कला अंग में और मुक्ति मुद्रा अंग में ये द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं। देखिए, ये है ब्रह्म कला अंग जिसमें ये द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं, और ये देखिए, ये है मुक्ति मुद्रा अंग जिसमें ये द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं। इन्हीं द्वादश अक्षर मंत्रों का जाप परमात्मा कबीर जी ने नानक जी को दिया था, जिसको नानक जी स्वयं जाप करते थे। कबीर परमात्मा ने बाबा नानक जी को दूसरे चरण की साधना का यथार्थ मंत्र सतनाम भी प्रदान किया था, जिसको बाबा नानक जी ने कभी किसी को आगे जपने के लिए नहीं दिया। प्रथम चरण में मिलने वाले इन द्वादश अक्षरों वाले मंत्रों को बाबा नानक जी ने आगे गुरु परंपरा में केवल गद्दी पर बैठने वाले उत्तराधिकारी को इन द्वादश अक्षरों वाले मंत्रों का भेद बताया, जिसका प्रमाण हमें सिख धर्म की प्रमाणित पुस्तक 35 अखरी में देखने को मिलता है, जिसमें यही द्वादश अक्षर मंत्र शुद्धता के साथ लिखे हैं। देखिए यहां पर ओम, हरिम, श्रीम, किलिम और सोहम स्पष्ट लिखे हैं। वर्तमान में इन द्वादश अक्षरों वाले मंत्रों का जाप और इनके करने की सही विधि केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। संत रामपाल जी महाराज ही इन मंत्रों को प्रदान करने के एकमात्र अधिकारी संत हैं। यदि कोई श्रद्धालु इन मंत्रों का जाप स्वतः ही करने लग जाए तो उससे कोई लाभ नहीं मिल सकता। दर्शकों, जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि किसी असली पासपोर्ट की फोटो देखकर खुद से पासपोर्ट बनाने लग जाए या किसी अनधिकारी से हस्ताक्षर करवा के पासपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश करे, तो ये उसका व्यर्थ प्रयत्न होगा, जो कि उसके लिए बहुत हानिकारक होगा।
इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के इन मंत्रों का जाप केवल अधिकारी संत से ही प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वर्तमान समय में इन मंत्रों को देने के अधिकारी केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। इन्हीं द्वादश अक्षर वाले मंत्रों का जाप संत रामपाल जी महाराज प्रथम चरण की दीक्षा में अपने शिष्यों को सन 1994 से दे रहे हैं। दर्शकों, ये द्वादश अक्षर मंत्र पंचदेव साधना के यथार्थ मंत्र हैं, जबकि ये तमाम धर्म गुरु ओम नमो भगवते वासुदेवाय को द्वादश अक्षर मंत्र बताकर आपको भ्रमित कर रहे हैं और खुद भी भ्रमित हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र श्री कृष्ण जी का यथार्थ मंत्र मानकर जप रहे हैं, जबकि खुद शंकराचार्य जी भी मानते हैं कि हिंदू धर्म में पंचदेव साधना बताई गई है। कोई धर्म गुरु केवल श्री कृष्ण जी का प्रणाम वाक्य ही बोल रहा है, कोई शिव जी का प्रणाम वाक्य ही बोल रहा है, जबकि दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज श्री कृष्ण जी उर्फ श्री विष्णु जी के सहित ये पंचदेव साधना की यथार्थ भक्ति बता रहे हैं। इन धर्म गुरुओं ने जीवन भर आपसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय आदि प्रणाम वाक्य जपवाए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को कोई लाभ नहीं मिला। इसका कारण है कि ये यथार्थ मंत्र हैं ही नहीं, आपकी पुकार इन देवी देवताओं तक पहुंच ही नहीं रही। दर्शकों, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको किसी मंत्री से लाभ प्राप्त करना है। अब उस मंत्री से लाभ प्राप्त करने के लिए या तो आपको उसके कार्यालय जाकर उनसे रूबरू होकर अपना कार्य करवाना होगा, या आप उनसे मोबाइल पर कॉल करके अपना कार्य उनसे करवा सकते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति उस मंत्री का खास बनकर आपको किसी साधारण व्यक्ति का नंबर दे दे या कोई गलत नंबर दे दे, तो आप उस नंबर से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज इसी प्रकार इन धर्म गुरुओं ने इन देवताओं रूपी मंत्रियों के आपको गलत नंबर दे दिए हैं, जिसको आप जिंदगी भर डायल करते रहें, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। आप जब तक उनकी साधना का सही नंबर डायल नहीं करेंगे, तब तक आप उनसे अपना कोई कार्य सिद्ध नहीं करवा पाएंगे। इन देवताओं के सही नंबर अर्थात वास्तविक साधना के मंत्र संत रामपाल जी महाराज के पास हैं। सभी प्रमाणित संतों ने पंचदेव साधना के इन्हीं मंत्रों का जाप किया है, जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। पंचदेव साधना के ये द्वादश अक्षर मंत्र विश्व कल्याण के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, आइए जानते हैं। भविष्य मालिका पुराण में लिखा है कि 2032 तक पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। ऐसा ही संकेत कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में किया है कि सारा संसार सत्य भक्ति अपनाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। ये पंचदेव समान रूप से विश्व के सभी प्राणियों के शरीर में बने इन कमलों में विद्यमान हैं। इन पंचदेव को प्रसन्न करने का तथा पूर्ण लाभ प्राप्त करने का ये एकमात्र द्वादश अक्षर मंत्र है, जो जाप करने का है। संत रामपाल जी महाराज इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप दिन में कम से कम 108 बार अपने शिष्यों को जपने का निर्देश देते हैं, जो विश्व में केवल एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। संपूर्ण विश्व के प्राणी इस द्वादश अक्षर मंत्र की जब साधना करेंगे, तो चारों ओर खुशहाली और भाईचारा कायम होगा, पूरा विश्व एक हो जाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। सभी मानवों के जीवन से दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस द्वादश अक्षर मंत्र में इन पंचदेवों की शक्ति सामूहिक रूप से कार्य करती है। संत रामपाल जी महाराज के अथक प्रयासों से ये शास्त्र प्रमाणित ज्ञान तेजी से विश्व में फैल रहा है। आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये भक्ति पंचदेव से मिलने वाले लाभों को प्रदान करने वाली है तथा संपूर्ण भक्त समाज के लिए संजीवनी है। आदि सनातनी पूजा के तीन चरण होते हैं। प्रथम चरण की साधना में इन पंचदेव की साधना के मंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरे चरण की साधना, जो कि सनातनी पूजा भी कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्, यहां तत् सांकेतिक मंत्र है। उसके बाद तीसरे चरण की साधना आदि सनातनी पूजा कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत् सत, यहां तत् और सत सांकेतिक हैं। भक्ति साधना के इन तीन चरणों को आप इस प्रकार समझें, जैसे प्रथम चरण की साधना, जो कि पंचदेव पूजा है, उसको आप प्राथमिक शिक्षा जाने अर्थात पांचवी कक्षा तक की पढ़ाई जाने, जिसके पढ़ने से आपको आपके जीवन में
केवल आंशिक लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन प्रथम चरण की ये साधना भक्ति मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार पांचवी कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किए बिना दसवीं बारहवीं तक की पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसी प्रकार प्रथम चरण की ये पंचदेव साधना किए बिना दूसरे व तीसरे चरण की साधना नहीं की जा सकती। दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा है, ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में बताए क्षर और अक्षर पुरुष की पूजा है। इसको आप उच्च शिक्षा अर्थात इसको आप दसवीं तक की कक्षा की पढ़ाई जाने, जो आपको प्राथमिक शिक्षा से कुछ ज्यादा लाभ देती है। तीसरे चरण की साधना जो कि आदि सनातनी पूजा है, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी इसका वर्णन है। ये गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। इसको आप सर्वोच्च शिक्षा जाने, जो कि आपको सब सुख और लाभ प्राप्त करवाती है। दर्शकों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना इस प्रकार तीन चरण में पूरी करते हैं। दर्शकों, आपको यहाँ ये भी शंका हो सकती है कि इस द्वादश अक्षर मंत्र को एक नाम अर्थात एक मंत्र क्यों कहा जाता है, जबकि ये तो अलग अलग देवी देवताओं के पांच नाम हैं। दर्शकों, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में ये जो ओम तत् सत मंत्र लिखे हैं, ये भी दिखने में तीन मंत्र हैं, लेकिन इन तीनों नामों को गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत इस प्रकार का ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ये नाम कहाँ है। मतलब आदि सनातनी पूजा के तीसरे चरण की साधना का ये एक नाम है। ये तीन नाम मिलकर एक नाम कहलाता है, जिसको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तीसरा नाम अर्थात सार नाम कहते हैं। इसी प्रकार प्रथम चरण की साधना में मिलने वाला द्वादश अक्षर मंत्र ओम किलिम हरिम श्रीम और सोहम मिलकर एक नाम अर्थात प्रथम नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज वे उनके शिष्य हमेशा इन द्वादश अक्षर को प्रथम नाम ही पुकारते हैं। इसी प्रकार दूसरे चरण की साधना का ये ओम तथा तत् मंत्र एक ही नाम अर्थात दूसरा नाम अर्थात सतनाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इन दोनों मंत्रों को प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि हमें दूसरा नाम अर्थात सतनाम मिल गया है। अर्थात यहाँ दो नाम मंत्र होने के बाद भी ये केवल एक नाम ही कहलाता है, जिसको सतनाम कहते हैं। इसी प्रकार तीसरे चरण की साधना का ये ओम तत् सत मंत्र मिलकर भी एक ही नाम कहलाता है, जिसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सारनाम कहते हैं अर्थात तीसरा नाम कहते हैं। इसलिए यहाँ दर्शकों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि इन द्वादश अक्षर मंत्र को एक नाम क्यों कहा है। दर्शकों, ये द्वादश अक्षर मंत्र मिलकर एक ही नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार अपने शिष्यों को सनातनी पूजा के तीनों चरण की साधना का प्रथम नाम दूसरा नाम और तीसरा नाम देते हैं। दर्शकों, अभी आपने देखा सनातनी पूजा के वास्तविक मंत्रों की जानकारी, जो कि तीन चरणों में पूर्ण होती है और इसी भक्ति से साधक को सर्व लाभ होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं वेदों से उस पूर्ण परमात्मा के विषय में, जिसे गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म और गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में जिसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहकर संबोधित किया गया है, तथा इसी गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में जिसकी भक्ति के तीन मंत्र ओम तत् सत का संकेत किया गया है, तथा जिसके विषय में फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद को भलीभांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण यानी सनातन पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की मैं शरण में हूँ। दर्शकों, गीता ज्ञानदाता और वेदों का ज्ञानदाता एक ही है, जो कि ब्रह्म है। अभी आपने देखा कि ब्रह्म स्वयं गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहता है, जिस परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर से आदि सृष्टि उत्पन्न हुई है, उस आदि पुरुष नारायण यानी सनातन पूर्ण परमात्मा की ही मैं शरण में हूँ। दर्शकों, उसी सृष्टि के रचनहार के विषय में गीता ज्ञानदाता अर्थात वेदों का ज्ञानदाता ब्रह्म ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5 में कहा है कि साधकों के लिए पूजा करने योग्य अविनाशी प्रभु सर्व सृष्टि रचनहार कबीरदेव है, जो अविनाशी विचित्र तेजोमय शरीर युक्त आकार में सुना जाता है। वह परमेश्वर सतभक्ति करने वाले सर्व विकार रहित देव स्वरूप साधकों द्वारा प्राप्त होता है। फिर ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में
वेद ज्ञान दाता ने कहा है कि जो परमात्मा कवियों की भूमिका करके सतभक्ति भाव को परिपूर्ण रूप से प्रदान करता है वह कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है। उसके समान कोई भी शूरवीर नहीं है। सर्व ब्रह्मांडों के प्रभुओं में उसकी शक्ति क्रिया अर्थात समर्थता का यश है। मनुष्य रूप से सुशोभित होकर सर्वज्ञता व सदा नवीन अर्थात युवा रूप में समर्थ प्रभु पुरुषत्व का स्वामी पूर्ण धनी परमेश्वर है। वही अथर्व वेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में कहा है कि जो अचल अर्थात अविनाशी जगत पिता भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार जगत गुरु तथा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ सतलोक गए हुओं को अर्थात जिनका पूर्ण मोक्ष हो गया वे सतलोक में जा चुके हैं। उनको सतलोक ले जाने वाला सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त काल की तरह धोखा न देने वाले स्वभाव अर्थात गुणों वाला ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही वह आप कबीरदेव है जिन्हें हम सभी भाषा भिन्न होने के कारण कबीर परमेश्वर कहते हैं। यही वह परमेश्वर है जो हम सभी का पालन पोषण करता है जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा गया है उत्तम भगवान तो उपरोक्त दोनों प्रभुओं क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। उसी के विषय में सामवेद मंत्र संख्या 1094 पर लिखा है कि परम सुखदायक कबीर स्वयं प्राणियों को भोजन देने वाला अर्थात पालन करता है। इससे सिद्ध होता है कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं जिन्होंने सर्व सृष्टि की रचना की है और वही सबका धारण पोषण करने वाला उत्तम पुरुष है। उन्हीं के विषय में संत गरीबदास जी ने अमर ग्रंथ के अध्याय अथ अचला के अंग की वाणी 40 में कहा है गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। वही गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 721 पर कहा है यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कून करतार हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। वही संत दादू जी कहा है जिन मोकू निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। दर्शकों यही नहीं वेदों में स्पष्ट प्रमाण दिया गया है कि कबीर परमात्मा अपने साधकों के सर्व पापों का नाश करके सुख प्रदान करता है और अंततः उसे जन्म मृत्यु से मुक्त करता है यानी मोक्ष प्रदान करता है। देखिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का मंत्र नंबर 32 में कबीर अंगारी असी बंभारी असी ये देखिए ये है यजुर्वेद और महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है। इसके प्रकाशक कौन है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत इस दानंद जी ने इसका अनुवाद किया है। ये लेखक नहीं है वेदों का केवल अनुवाद करता है जैसे गीता जी के घड़े अनुवाद करता है और मुद्रक ये हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में दिखाते हैं आपको ये 5वां अध्याय और ये है नीचे 32वां मंत्र 32 यहाँ देखिएगा उसी गसी ये देखो कबीर अंगारी असी हम इसको कबीर बोल देते हैं बै अपने लैंग्वेज में हम बै बोलते हैं कबीर अंगारी असी बंभारी अविसुर असी। अच्छा इसका इन्होंने अनुवाद किया है ये देखेंगे हे जगदीश्वर जिस कारण आप उसी के माने कांतिमान असी माने हैं और अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु ये लिखना था आप पाप के शत्रु हैं पाप नाशक हैं। अब ये अनुवाद करता महर्षि दानंद का अपना ज्ञान सिद्धांत था कि भगवान पाप नाश नहीं करता इसलिए इसने यहाँ बात उलझा दी और फिर 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में 6 बार लिख रहा क्या भगवान पाप नाश कर देता है वहाँ इसकी बसाई नहीं था ये लिखना था वो अंग माने पाप अरि माने शत्रु वो पापों का शत्रु कौन है कबीर। अब इन्होंने
इसको ये कबीर है, कबीर हम इसको कबीर बोलने लगे, और इसने ये कर दिया इसका कवि और अर्थ कर दिया कांत प्रजय है। अब पहले हम इस और फिर बमबारी, ये देखो बमबारी, बम आरी माने बम माने बंधन, अरी माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, यानी हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं जो बंधन काट दे, बंधन तो छुड़वा दे। हम कबीर जी को, कबीर परमेश्वर को हम बमबारी यानी हम बंदी छोड़ कहते हैं, और इसको लिखने का फर्क है, या बंदी छोड़ लिख दे, बंधनों का शत्रु लिख दे, एक ही बात है। अब जैसे इन्होंने यहाँ जो गलती की है ना, यह गलत कर दिया ये, अगर या तो फिर कवि ये लिख देते यहाँ पर, वो कवि हैं बस, फिर भी हम मान जाते ना कुछ ठीक करने की चेष्टा की, कबीर का अर्थ कांत प्रजय लिख दिया, ये कोई बात हुई। अब जैसे ये यजुर्वेद है जिसको हम पढ़ रहे हैं, और इसका कहीं पर व्याख्या हो, अब दिखाते हैं आपको। अब जैसे ये इसी यजुर्वेद का अब 36वां अध्याय है, ये देखो ये 36 अध्याय यानी 36, और इसका ये प्रथम मंत्र है, ये रहा। इसमें ये लिखा है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द लिखा है। अब ये है यजुर्वेद के विषय में, और इसका कोई अर्थ कर दे वो गलत करेगा, इसका यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा, यो जैसा कि इस महर्षि ने ये ठीक किया यहाँ पर, ये है यजु, इसका यहाँ अनुवाद किया है, वहां मूल पाठ था। ये देखो ये यजु शब्द है, और इसका यजुर्वेद लिखना पड़ा, ये सही अर्थ बना यहाँ पर। यदि इस यजु का अर्थ कर देते यज्ञ स्तुतियों का संग्रह, तो के बेराव का के है संग्रह, यज्ञ स्तुतियां लिख दे इसकी, यज्ञ स्तुति, तो यजु का अर्थ यहां लिखना पड़ेगा कि वह है यजुर्वेद के बारे में कहा जा रहा है। तो ठीक, जहां इन्होंने कवि कर दिया उसको हमने कबीर देव पढ़ना पड़ेगा, कबीर देव लिखना था। देखो हम फिर आते हैं वही 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में, ये 32वां श्लोक यजुर्वेद का। अब यहां इसने जो कवि कर दिया, यहां लिखना था वो कबीर देव है, बस वो कबीर देव लिख देते, हम कबीर देव कहने लगे, देव को परमेश्वर, देव का अर्थ परमेश्वर होता है, तो यहां लिखना था वो कबीर देव हैं। और देखो यहां लिखा है रित धामासी सवर ज्योति, रित धामा इन्होंने खुद लिखा है, रित धामा माने सत धाम युक्त, हम सत धाम कहो सतलोक कहो इसको, ये सतलोक रित धामा नुकरण फलाना, रित धामा माने सतलोक वाला, सतलोक का निवासी, वो कहते नहीं ये फलाने गांव का है, यो फलाना वो गांव का है, तो ये ऐसे है कि वो रित धामा वो सतलोक में रहता है। और सवर ज्योति देख अड़ंगा के रखे अनुवाद का, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाला, सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, वो स्वयं प्रकाशित है, परमात्मा है वो, सतलोक में रहता है, कबीर उसका नाम है, और वो ही अंगारी है, पापों का शत्रु है, बंधनों का शत्रु है, यानी बंदी छोड़ है वो, कबीर अंगारी असी, ये कबीर हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर हम लिखण भी कबीर लागे, पड्डी की मात्रा भी लिख दें। अब परमात्मा ने कहा वेद मेरा भेद है, मैं वेदन में ना ही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते ना ही। ये देखिएगा ऋग्वेद भाषा भाषा द्वितीय भाग, ये कहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम लेखराम नगर अब्राहमपुर मुखमेलपुर दिल्ली, दूरभाष इतना है, और नीचे लिखा है दान संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन, और इसका यहाँ अनुवाद करता है ये 9-10 मंडल हैं ये, महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ दान संस्थान करोल बाग नई दिल्ली। इसके 10वें सूक्त के 10वें मंडल के और सूक्त नंबर
49 में दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त 49 49, इसका ये पहला ही मंत्र है, 49 सूक्त का ये पहला मंत्र है। इसमें लिखा है कि मैं स्तुति करने वाले को, यानी पूर्ण परमात्मा अपनी महिमा वेदों में लिख रहे हैं, और इसका अर्थ है कि अहम दा ग्रहणते पूर्वम स्वयं ब्रह्म करणम। अब पूर्ण परमात्मा कहता है ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने ही की। अब यहां देखो, इनका अनुवाद देखें, मैं स्तुति करने वाले को सनातन निवास योग्य लोक, सनातन ऐश्वर्य निवास योग्य लोक मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूं, मोक्ष भी प्रदान करता हूं और निवास योग्य सनातन लोक, सनातन ऐश्वर्य जहां जाने के बाद फिर कभी आपका सुख नाश नहीं होगा, वो प्रदान करता हूं। अहम ब्रह्म, ये देखो स्पष्ट, ये भी पढ़ना पड़ेगा हमने, नहीं तो ये गड़बड़ कर रहे हैं। अहम ब्रह्म कर्णवम, मैं वेद को उत्पन्न करता हूँ। ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया इन्होंने, ऐ तरह गजब भाई, मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ। पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी सतपुरुष ने ब्रह्म की उत्पत्ति की थी। फिर मूल संस्कृत पढ़ो, अहम माने मैं, ब्रह्म माने ब्रह्म को, करणों उत्पन्न करता हूँ, मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ। ठीक है, इन्होंने जहाँ थोड़ी बहुत गलती करी है अनुवाद में, उसको हम शुद्ध कर लेंगे अपने ज्ञान से। और यह वेद मेरी ही महिमा की वृद्धि करता है, ये वेद मेरी ही महिमा करता है, चारों वेद मेरी ही महिमा गा रहे हैं। यज्ञ दान सत्संग करने वाले को सन्मार्ग में आदेश करने वाला मैं ही हूँ। करह करावे साई अमन में लहर उठा और दादू सरदर जीव के आ बगल हो जा। कहता सब ये दान पुण्य सत्संग पुण्यात्मा जो मेरे से जुड़ गए हैं उनको मैं ही लाता हूँ। यहाँ पर मैं ही सन्मार्ग का आदेश करने वाला मैं ही हूँ। मैं सकल युद्ध में न देने वाले कुसंगी यज्ञशील जनों को ही हराता हूँ, हराता है यानी हराता हूँ, यानी कहने का भाव यह है कि मैंने तो ब्रह्म की उत्पत्ति की है और जो मेरी सतभक्ति करते हैं, मेरी स्तुति करते हैं, उनको सनातन लोक, सनातन माने शाश्वत स्थान प्राप्त कराता हूँ। और वहाँ से जब हम चले गए तो ऐश्वर्य आप पर रह गए, वहाँ सारे ठाठे ठाठ मृत्यु नहीं, कभी कोई बुढ़ापा नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं, और निवास योग्य लोक मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। और मैं अहम ब्रह्म करणों, मैं वेद को उत्पन्न करता हूँ, या वेद नहीं, या ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ। और मह्यम वर्धनम, और ये जो वेद है वो मेरी महिमा गा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म ने फिर वेदों का ज्ञान आगे दिया। अब कहने का तात्पर्य ये है कि हम जिन सदग्रंथों को सही मानते थे, सच मानते थे और मानते हैं, उनको हम समझ नहीं सके। दर्शकों, इसी के साथ कबीर परमेश्वर वह परमात्मा है जो अपने साधक की आयु को भी बढ़ा देता है। देखिए ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 को, जिसमें लिखा है कि यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है अर्थात परलोक चला गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे शत वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 मंत्र 2 में है, जिसमें लिखा है, हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा सामवेद मंत्र संख्या 822 में लिखा है कि सनातन अर्थात अविनाशी कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र अर्थात नाम उपदेश, जिनका संकेत गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत् सत के रूप में है, देकर पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है, तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कार वश गिनती के डाले हुए होते हैं, को अपने भंडार से मित्रता के आधार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है।
जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। दर्शकों, इससे पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि हमें छठ पूजा रूपी मनमानी क्रिया को छोड़ एक पूर्ण परमात्मा कबीर जी की सतभक्ति पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से लेकर करनी चाहिए, क्योंकि अन्य देवी देवताओं में वह शक्ति नहीं है जो कबीर परमात्मा में है। कबीर परमेश्वर ही वह समर्थ शक्ति है जो हमारे सर्व पापों का नाश कर सकता, कर्म बंधनों से मुक्ति प्रदान कर सकता है तथा हमारी आयु बढ़ाने के साथ साथ हमें सर्व सुख प्रदान कर सकता है। इसलिए छठ पूजा के आडंबर मनमाने आचरण को छोड़े और सतभक्ति को जानने के लिए प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुने। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी चमत्कारी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह कहानी है सिरहा नेपाल के शिव कुमार जी की। पहले ये आर्य समाज के अनुयायी थे और विष्णु जी शिव जी की पूजा किया करते थे, फिर भी इनके परिवार पर भूत प्रेत का साया था। एक दिन अचानक इनके बेटे की मृत्यु हो गई। पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ था, लेकिन एक सच्चे संत से प्रार्थना करने मात्र से एक चमत्कार हुआ और इनका बेटा फिर से जीवित हो गया। यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है कि क्या आज भी ऐसे संत इस धरती पर विद्यमान हैं जो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से इस तरह के अद्भुत लाभ दे सकते हैं, दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं और अपने आशीर्वाद और सच्ची भक्ति विधि प्रदान कर अपने अनुयायियों के सारे कष्ट दूर कर उनके जीवन को खुशहाल बना दे। तो दर्शकों, आइए अब शिव कुमार जी से ही सुनते हैं उनके जीवन में घटी इन अद्भुत घटनाओं की सच्चाई। सर नमस्कार। सर नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शिव कुमार दास। शिव कुमार जी, कहाँ से आए आप? हम नेपाल से आए हैं। नेपाल में कहाँ से? नेपाल सिरहा जिला है, हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिरहा है, धनगढ़ी माई नगर पालिका 6 है ना, जो कि गांव का नाम मथियाही है ना। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, हम भक्ति साधना जो ही आर्य समाज करते थे, जो कि मेरा पूर्वज ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते थे, घर में जो इष्ट देवता बनाकर रखे थे जो कि काली बंदी घोर। आपने कहा आर्य समाज को मानते थे, लेकिन आर्य समाज जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते। सर जी, ऐसे है, जो पूर्वज करके आए थे है ना, उसी तरह हमें करना पड़ता था, जो कि घर में जो कि इष्ट देवता माना जाता है जो कि काली बंदी गोरैया, उसको मानते थे, राजदेवी को मानते थे है ना। आप नेपाल में रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ गए? सर, संत रामपाल जी महाराज से हम ऐसे जुड़े जो कि मेरा बच्चा का, सबसे पहले मेरा बच्चा जो है ना, बच्चा को भूत प्रेत का बाधा था, जो कि उन्होंने एक बार स्कूल में अचेत हो चुके थे, जो कि मृत्यु को रखिए ना कि मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। फिर उनको जो है हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिए थे। डॉक्टर जवाब दे देने के बाद उन्होंने एक बार संत रामपाल जी महाराज को शिष्य एक मिला, उन्होंने बोला कि अरे इसको कुछ नहीं हुआ है, ये तो जिंदा हो जाएगा। फिर उनको बोला कैसे होगा, तो उन्होंने जो कि वो अपने रूम पर ज्ञान गंगा पुस्तक रखे थे, वो ज्ञान गंगा पुस्तक में जो परमात्मा परम सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का जो फोटो है, उस फोटो के उनको सिरमय के नीचे जो ऐसे रख दिया, बोला कि आप जो है ना उसका पिता है, उनको आप दंडवत प्रणाम करो, देखो ठीक होगा। मैंने दंडवत प्रणाम की, आप परमात्मा से अर्ज की कि हे बंदी छोर, यदि ठीक हो जाएगा तो मैं अपने बच्चा को आपको, मैं आपको शरण में पहुंचा दूंगा और मैं भी चलाऊंगा। ऐसे मैं बोलकर बोले, ठीक 2 मिनट में मेरे बच्चा उठकर खड़ा हो गई, जो कि वहाँ पे 12-13 मास्टर थे और वहाँ का समाज बैठे हुए थे, देखा तो बोला अरे तो चमत्कार हुआ। उसके बाद उन्होंने बच्चों के दूसरे दिन के बाद जाकर के उनको नामदान दिलाए। लेकिन आपने कहा कि अगर आपका बच्चा ठीक हो गया तो आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ जाएंगे, लेकिन आप क्यों नहीं जुड़े, क्या आपको कोई विश्वास नहीं था? सर जी, मुझे विश्वास इसलिए नहीं हो रहा था, जो कि इससे पहले जो कि कोई धामी गुनी आकर के ठीक कर देते थे, बोलते थे कि मैं ठीक कर दूंगा, मैं गारंटी लेता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, ऐसे बोल कर जाते थे, लेकिन 2-3 दिन के बाद वैसे ही होता था, इसीलिए मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन चमत्कार तो हुआ था।
इतना मेरे को विश्वास था कि ये चमत्कार तो हुआ, लेकिन ऐसा चमत्कार तो दूसरे धामी भी कर देते हैं, है ना। इसलिए मुझे कुछ डाउट था मन में, जो कि उनको मैं टाइम दिए थे कि 6 महीने तक मेरे बच्चा ठीक रह जाएगा तो मैं आ जाऊँगा। लेकिन 2 महीने के बाद मैंने देखा तो एक दिन का समय है जो कि मैं आश्रम गए। आश्रम जाने के बाद वहाँ पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वहाँ पर जाने के बाद जो है मैं वहीं पर नामदान ले ली। एक ही बार मेरे बच्चा बोला कि पिताजी आप ही नामदान ले लीजिए, मुझे अकेले दिल नहीं लगता है। जैसे आपने कहा था कि 6 महीने तक आपके अगर बेटे को कुछ नहीं होता है तो आप नाम ले लेंगे, क्या उस दिन के बाद आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ? नहीं सर जी, मेरे बच्चा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे बड़ी वाली लड़की थी उन लड़की को ऐसा ही हाल हुआ, जो कि SLC परीक्षा में मेरे भाई साहब लेकर जा रहा था, आमने सामने एक्सीडेंट हुआ। आमने सामने एक्सीडेंट होने के बाद जब मेरे बच्चिया गिरी, लड़की गिरी, तो वो दूसरे वाला मोटरसाइकिल था, उस मोटरसाइकिल को ले गार्ड में समीत जो फंस गए, जो कि पीछे पर पुलिस प्रशासन भी थी, लेकिन कुछ दूर जाकर के बच्चिया छूट गई, लड़की छूट गई मेरी, वो मोटरसाइकिल कहाँ गायब हुई दिखाई नहीं दी सर जी। उनके बाद उनको फिर वही भूमिजा हॉस्पिटल में भर्ना किया। भर्ना करने के बाद 3 दिन के बाद उनको जो ऐसा हाल हुआ जो कि अभी इसका बातें न मत छोड़िए। फिर भी मैं उन्हीं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में ले जा करके ऐसे उनको फोटो के सामने जो कि खड़ा की, 2 मिनट के बाद में उसके आँखों से गंगाधार फूट गए सर जी। उनके बाद मेरे बच्चा ने, उन लड़की ने जो जंतर मंतर था गर्दन में उसको काट कर फेंक दिया। उसके बाद उसके सुबह में जा कर के बोले कि पिताजी मुझे आश्रम ले चलिए। जब आश्रम ले गए सर जी, वहाँ जा कर के मेरा बेटी अपना अच्छा से नामदान लिए। उसके बाद एकदम वो भी कंप्लीट ही। सर आपकी इन बातों पे कौन विश्वास करेगा? आपके कहने का मतलब है कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि अभी ये आपका बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, उसके बाद वो बच्चा जीवित हो जाता है, तो इन बातों पे कौन विश्वास करेगा कि मुर्दे तक को जिंदा कर देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी? सर जी विश्वास करना वो अपना अंतरतः का दिल का बात है, विश्वास करे या न करे वो तो दूसरी बात होती है। लेकिन जो घटना मेरे साथ हुई है, जो कि वहाँ पर माउंट का प्रिंसिपल लगाए जो कि 12-13 मास्टर था, सारे वहाँ का जो कि समाज मेले लगे हुए थे, वो सभी ने चमत्कार देखा है और बोला जो कि ये चमत्कार तो वास्तव में कोई भगवान ही कर सकता है। अच्छा आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले वो नशा करते थे और नाम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने नशा छोड़ दिया, क्या आप भी कोई नशा करते थे? सर नशा का बात तो बीड़ी तंबाकू खैनी हम नहीं खाते थे, लेकिन बियर पीते थे, हम नेपाल में रहने के ऐसे बियर पीते थे। सर और कोई लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? लाभ तो सबसे पहले मेरे बच्चा मिला, दूसरे बात जो है कि लाभ हमें ये मिला जो कि मेरा 6 वर्ष का पिताजी है ना, 6 वर्ष का पिताजी का जो कि शरीर अभी भी वैसा है। क्या समस्या थी? उनको समस्या ये थी कि 6 वर्ष की थी, उसका आयु खत्म थे, लेकिन उन्होंने टहल बुल नहीं सकते थे, हमेशा ये घुटना दुखता रहता था, ये हर एक जोरनी दुखता रहता था, हमेशा रोता रहता था, उठ बैठ नहीं सकते थे, पेशाब कर देते थे, जो कि बेडे पर टॉयलेट कर देते थे। लेकिन जिस दिन से परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं, उनसे दीक्षा ली है, उस दिन से मालिक इतना शक्ति उनको दिए हैं जो कि वो घर में बात क्या करे, बिस्तर के बात क्या करे, वो बिना टॉयलेट और बाथरूम से नीचे की बात ही नहीं करते हैं और सारा खेत पथार घूम कर आते हैं। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस वक्त वास्तव में परमात्मा कबीर साहब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की चोला में आए हुए हैं, जो कि यही अवसर है, यही ऑप्शन है जो कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आ करके जो है से नाम दीक्षा ले और नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करे, क्योंकि बार बार ये मनुष्य जन्म नहीं मिलता है, जो कि कहा गया है जो कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारम्बार, तरवर से पत्ता टूट गए, बहुर न लागे डार। इसलिए जो कोई लेट करेगा, देर करेगा, वो समझे कि वो अपने आप को हत्या कर रहा है। जी धन्यवाद सत साहेब।
आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।